हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने पहला जो पॉइंट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको कवर कर चुके थे, पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। अभी हम लोगों को देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दूसरा टाइप है रिप्रोडक्शन का, दूसरा टाइप है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में अभी हम लोगों को बात करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम लोगों को बात करना है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े भी थे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एक वैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतानों को जन्म देता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। वैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतानों को जन्म देता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जब क्या होता है, सिंगल पैरेंट शामिल होता है, जब सिंगल पैरेंट शामिल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब डबल पैरेंट शामिल होता है, जब डबल पैरेंट शामिल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी बात करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है। तो इट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये रिप्रोडक्शन का टाइप है, इन विच इन्वॉल्व्स टू पैरेंट, इसमें दो पैरेंट शामिल होता है, टू पैरेंट शामिल होता है, और दोनों का दोनों पैरेंट जो होगा ना वो होता अपोजिट सेक्स का, अपोजिट सेक्स, यानी कि एक जो होगा, एक मिलेगा मेल तो अदर क्या होगा, अदर होगा फीमेल। यहाँ पे ये चीजें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। विशेषता का बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका ये है कि इन विच इन्वॉल्व्स टू पैरेंट, इसमें दो पैरेंट शामिल होता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये वैसा प्रोसेस है जिसमें दो पैरेंट शामिल होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट का हम लोग बात करें तो क्या होगा, इसमें दो पैरेंट शामिल होता है, एक मेल और एक फीमेल, तो इस दोनों में, ये दोनों में क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है और फिर गैमिट का फ्यूजन होता है। इसमें जो गैमिट बनेगा वो हो जाएगा स्पर्म, और इसमें जो गैमिट बनेगा वो हो जाएगा ओवम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन विच अकर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें गैमिट बनता भी है और इसमें गैमिट का फ्यूजन भी होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करें तो क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें क्या होता है, दो सेल डिवीजन होता है, पहला मेटोसिस और दूसरा क्या, मियोसिस, दोनों का दोनों सेल डिवीजन होगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन विच अकर बोथ
मियोसिस, पहले हम लोग ले लेते हैं मियोसिस एंड एज वेल एज कर सकते हैं एज वेल एज माइटोसिस सेल डिवीजन। इसमें दोनों का दोनों होता है, मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है, दोनों का दोनों सेल डिवीजन होता है। दोनों सेल डिवीजन कब होता है तो हम लोग बात करें तो मियोसिस जो होता है ना, मियोसिस का बात करें तो ये होता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के टाइम में होता है। लेकिन हम लोग इसका बात करें तो माइटोसिस होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। जब जायगोट डेवलप करके इंद्रियो बनाता है तो उस टाइम में होता है ये माइटोसिस सेल डिवीजन। इसके बाद हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, अगला नंबर जो होता है वो होता है इट इज स्लो प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है ना, स्लो प्रोसेस होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फास्ट प्रोसेस, और ये जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। अगला चीजों का हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। यानी कि इसके अंदर में जो होता है इवोल्यूशन एंड वेरिएशन, ये दोनों का दोनों चीजें होता है। नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग देखें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है ना, रिप्रोडक्शन यूनिट यानी कि द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है इज हैप्लोइड गैमेट। रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है हैप्लोइड गैमेट। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और वो जो पॉइंट है वो है अकुरेंसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। उपस्थिति, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका हम लोग बात करें तो इट इज अकर इन कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि बड़े बड़े प्लांट्स हो गया, प्लांट्स के बाद हम लोग बात करें तो एनिमल्स हो गया, एनिमल्स के बाद हम लोग बात करें तो फंगी हो गया। ये सभी चीजों में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ हम लोग बात करें हायर और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में होता है एंड एनिमल्स में होता है। हायर और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इट इज ऑल्सो अकर इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में होता है
और फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एक साथ मिला करके बोलते हैं एंजियोस्पर्म, यानी कि ये एंजियोस्पर्म में भी होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में किस तरह से होता है, फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से होता है, वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसमें इतना ही। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे, टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग के आधार पे, यानी कि फूल के खिलने के आधार पे कितने टाइप की होती है, फूल के खिलने के आधार पे, यानी कि अपने जीवन काल में एक बार फूल लगाता है, दो बार लगाता है या कितने बार लगाता है, उसके आधार पे ये टू टाइप की होती है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो हो जाता है मोनोकार्पिक। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो हो जाता है पॉलीकार्पिक। यहाँ पे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, ये होता क्या है, तो हम लोग बात करें यहाँ पे ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, ये अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावर लगाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हो जाता है राइस के बाद आपको मिलेगा व्हीट के बाद आपको मिलेगा कैरोट, रेडिस ईटीसी। ये सारा का सारा अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावर लगाता है। इसके बाद हम लोग बात करें इसी में तो बॉम्बो भी अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावर लगाता है, इसीलिए ये सभी को हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक। बॉम्बो का हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ एंड बिकम टू डाई। ये क्या करता है, बम्बू क्या करता है, अपने जीवन काल में एक ही बार बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहुत ही बड़े पैमाने पे फ्लावर को लगाता है, 100 से 150 साल इसका लाइफ स्पान होता है, इतने दिनों में एक ही बार बहुत ही बड़े पैमाने पर फ्लावर को लगाता है और इसके बाद वो डाई कर जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलीकार्पिक। ये क्या करता है, तो इट प्रोड्यूस फ्लावर मोर देन वन टाइम इन देयर लाइफ। ये क्या करता है, अपने जीवन में एक से अधिक बार फ्लावर लगाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीकार्पिक। एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो ट्री बोल सकते हैं। मैंगो के बाद कोकोनट के बाद आपको मिलेगा नीला कुरंजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट में बोल सकते हैं
स्ट्रोविलेंथस उन्थियाना, स्ट्रोविलेंथस उन्थियाना ये क्या करता है, अपने जीवन काल में कई बार फ्लावर को लगाता है। स्ट्रोविलेंथस कुंथियाना का हम लोग बात करें, तो ये क्या करता है कुंथियाना, प्रोड्यूस फ्लावर ओनली वंस इन 12 इयर्स। ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक बार 12 सालों में, यानी कि ये 12 साल में एक बार फ्लावर को लगाता है, 12 साल में एक बार फ्लावर को लगाता है, और इसका जीवन काल जो होता है उस जीवन काल में ये कई बार फ्लावर को लगा चुका होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीकार्पिक। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये जो फ्लावर लगाता है बहुत ही बड़े पैमाने पे फ्लावर को लगाता है, यानी कि हम लोग बात करें तो पूरे का पूरे जहाँ पे होता है जिस एरिया में होता है उस एरिया को, पूरे एरिया को फ्लावर से ही ढक देता है, और इसका जो फ्लावर का कलर होता है ब्लू होता है, ब्लू। और ब्लू कलर का फ्लावर क्या करता है, पूरे का पूरे उस एरिया को ब्लू स्टेसिस में बदल देता है, मतलब कि ब्लू पार्ट में बदल देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, कि इट्स मास फ्लावरिंग इसका जो मास फ्लावरिंग होता है ना, कन्वर्ट द लार्ज हिली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इन ब्लू स्टेचेस। ये सभी चीजों को, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो हिली एरिया होता है ना, पर्वतीय इलाका, उसको कन्वर्ट कर देता है ब्लू स्टेचेस में। इतना ज्यादा फ्लावर लगता है तो ये क्या करता है इसका जो फ्लावर होता है ना, अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अपने तरफ, यानी कि इट अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को ये अपने तरफ आकर्षित करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए ये थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसके बाद जो फ्लावरिंग प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग टू टाइप्स की होती है, पहला मोनोकार्पिक, दूसरा जो है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक वो होता है जो अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावर लगाता है, पॉलीकार्पिक वो होता है जो अपने जीवन काल में कई बार फ्लावर को लगाता है। इस तरह से यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको कंप्लीट करिए, उसको बनाइए, फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।